गाइस हमने यहाँ पर अमेजोन से बाइक कर लिया 1299 रुपये का ड्रोन, जो कि यार मुझे ठीक ठाक लगा। ये है अमेजोन पे मिलने वाला सबसे सस्ता रिमोट कंट्रोल डबल कैमरा ड्रोन। अगर आपको बाइक करना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी बढ़ते गाइस हम लोग आगे, एंड मैं इसे ओपन करता हूँ और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर बॉक्स कंटेंट, और करते इसे फ्लाई देखते कितना स्टेबल ये फ्लाई करता है, और आपको ये 1299 का ड्रोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही पिन कमेंट दोनों ही जगहों पे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जा करके बाय कर सकते हो फटाफट। बाकी बढ़ते आगे और देखते हैं क्या कुछ है खास इसके अंदर, और रिव्यू भी करेंगे कि आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। सो गाइस हम लोग कर लेते बॉक्स को फटाफट अनबॉक्स। तो हमें कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का बैग मिल जाता है, और इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। सो हमें यार सबसे पहले तो एक बैटरी, यूजर मैनुअल, कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज, सेम आइटम्स आपको मिल जाते हैं, और एक रिमोट और अपना ये जो ड्रोन है वो मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों को बाहर निकालते हैं एंड बात करते हैं आगे। सो गाइस ये अपना ड्रोन और ये अपना रिमोट। रिमोट के सभी फंक्शंस मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, ये आपके पीछे क्लिक करने वाली बटन है, ये 1 की लैंड बटन है, 1 की टेक ऑफ बटन, और ये भी यार आपकी लैंड वाली बटन है। ठीक है, और ये आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो जॉयस्टिक है ये काम आएगा आपके हाइट एडजस्ट करने में, ऊपर नीचे जैसे आपको ले जाना है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड वाले जॉयस्टिक को लेफ्ट या राइट करते हो तो आपके ड्रोन का जो हेड है वो एडजस्ट होगा। ठीक है, वो मूव करेगा, जैसे लेफ्ट ले जाओगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट ले जाओगे राइट की तरफ मूव करेगा, एंड साथ में राइट वाले जॉयस्टिक से आप लोग डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हो फ्लिप वगैरह। ये ट्रिमिंग कीस हैं आपके, ये तीनों, ये फ्लिप वाली बटन है, ये स्पीड एडजस्टमेंट बटन है, बाकी बैटरी मैंने लगा रखी है। सो यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ ऑरेंज कलर की जो लाइट है वो ब्लिंक होने लग गई, तो मैं इसे साइड में रखता हूँ। ठीक है, एंड साथ में आप लोग इसकी जो वीडियो है वो आप लोग अपने फ़ोन में देख सकते हो, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, कर लेना यहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी वीडियो भी देख सकते हो। ऐप का नाम है RC FPV Pro। ठीक है, आपको इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना, सिंपल सबसे ऊपर आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा। ठीक है, सबको सिंपल इंस्टॉल करना है। ड्रोन को आपको सिंपल यहाँ पर ऑन करना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो आपका जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, एंड ऐप को हम फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। देख सकते हो अपना जो ऐप इंस्टॉल हो चुका है, ओपन करना है, ड्रोन अपना ऑन ही है। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन का आएगा, आपको इसको कर देना है वाइल यूजिंग ऐप। ठीक है, और अलाउ कर देना कुछ परमिशंस, एंड देन आपको यहाँ पर जाना है, डाटा अपना ऑफ कर देना है। ठीक है, वाईफाई में आपको क्लिक करना है, वाईफाई के अंदर जाना है, एक RCFPV करके आपको वाईफाई मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, रिफ्रेश करना है, और इसका जो वाईफाई आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो एक बार आप लोग ड्रोन को ऑन मतलब दोबारा ऑफ करके ऑन कीजिए। ठीक है, और हम चलते हैं वाईफाई मोड में। सो गाइस ये रहा वाईफाई UFO करके, इसे आपको सिंपल कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, शो नहीं करता, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, रिफ्रेश करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, एंड देन आपको स्टार्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो वीडियो है। सो गाइस जो ड्रोन की वीडियोस है वो यहाँ पर देखो सिंपल दिख रही है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ फुटेज। ठीक है, इधर करके तो यहाँ पर देखो उस साइड दो कुत्ते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ पर देखो सब कुछ मतलब क्लियरली लगभग विजुअल है। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो जस्ट इस वाली बटन को दबा दो, यहाँ पर देख सकते हो नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 करके जो टाइमिंग, यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। एंड पिक्चर क्लिक करना तो पहले से ऑफ करना है, इसे क्लिक करोगे तो पिक्चर क्लिक हो जाएगा, ये पिक्चर वाली बटन। और भी बहुत सारे ऑप्शन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कैमरा स्विच करना है तो ये वाली बटन, जिससे आप लोग पीछे वाले जो कैमरे की वीडियोस है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बट वो उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। आप लोग ऐसे वीडियो वगैरह बना सकते हो, और सबकी जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्या ये 1299 का ड्रोन वॉर्थ इट है या फिर नहीं, वो सब कुछ यहाँ पर गाइस आपको पता चल जाने वाला। तो चलो बढ़ते हैं आगे, एंड करते इसे फ्लाई, और साथ में आप लोग अपने इस फ़ोन को इसके नीचे भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन होल्डर देखने को मिल जाएगा, तो फिर आपको इसे खोलना है, एंड सिंपल आपको कुछ इस तरीके से इसे कर देना एडजस्ट। ठीक है, अब देखो आपकी जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर दिख रही है, आप लोग इजीली जो भी वीडियोस फोटेज है वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, और पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो। आपका जो ड्रोन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसके लिए एक बार आपको थ्रॉटल को ऊपर एक बार नीचे करना है। ड्रोन की लाइट देख सकते हो यहाँ पर, इसकी लाइट स्टेबल हो चुकी है, इसकी भी दोनों ब्लिंक हो चुकी है। थ्रॉटल एक बार ऊपर एक बार नीचे, आपका ड्रोन जो है पेयर हो जाएगा। चलो गाइस करते हैं फ्लाई, एंड देखते हैं कितना स्टेबल फ्लाई करता है ये 1299 ड्रोन। आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेक ऑफ।
जो ड्रोन है तैयार है, ठीक है सर, हम लोग अपने ड्रोन को कैलिब्रेट कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपके सिविल फ्लाई नहीं करा, जैसे अभी हमने फ्लाई करा तो कैसे सीधे जाके लगा, ठीक है, हमारे कैमरामैन को, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से कैलिब्रेट करना है, दोनों के यहाँ पर कुछ 45 डिग्री में ऐसे करना है नीचे की तरफ, और ये कैलिब्रेट हो जाएगा। चलो करते हैं फ्लाई। आप देख सकते हो काफी स्टेबल गाइस अपने फ्लाई कर रहा है ड्रोन। गाइस इसकी स्टेबिलिटी को आप लोग चेक कर सकते हो, कितना ज्यादा स्टेबल है अपना ड्रोन। एंड गाइस उस डॉग को आप लोग देखो, वो डॉग विचार के लिए ध्यान से देख रहा है, ये देख सकते हो वो डॉग गाइस कितना ध्यान से देख रहा है इस ड्रोन को। ड्रॉग को ठंडी ठंडी हवा देते हम लोग। गाइस ड्रोन तो अपना यार काफी स्मूथ फ्लाई कर रहा है, मुझे तो काफी ठीक लगा, बट कैलिब्रेट करके फ्लाई करना ठीक है सिंपल, और कुछ समझ में ना आया कैलिब्रेट से रिलेटेड तो पूरी वीडियो हमने डाल रखी है चैनल पे, जाके देख सकते हो। देख सकते गाइस हेड भी इसका मूव हो रहा है। गाइस हम लोग ले चलते इसे थोड़ा सा ऊपर, देखते कितना ऊपर ही जा पाता है, कितने ऊपर ले जाए तो कंट्रोल में रहता है। तो देख सकते हो आप लोग हाइट ठीक ठाक है, एंड ड्रोन अपना मतलब सही फ्लाई कर रहा है एंड स्टेबल भी है। Guys, let's do a flip. तो सिंपल वो तो हमने यहाँ पर फ्लिप करा एक, चलो एक और फ्लिप करते हैं आगे की साइड। तो बैटरी ज़्यादा बची नहीं है, ठीक है, तो फ्लिप होगा नहीं, देख सकते हो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ फ्लिप का, बट ड्रोन जो है दम तोड़ दे रहा है। देख सकते हो आप लोग अगेन इग्नोर करते हैं टेक ऑफ इसे, बैटरी तो ऐसे खत्म हो चुकी है।
देख सकते हो कितनी इजीली इसका जो हेड है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम करते इसे लैंड। गाइस अपना ये जो ड्रोन है 1299 रुपये में, वो काफ़ी यार बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस। और बाकी जो ड्रोन है 1700-1800 के, सेम ये ईटेड सेम आपको परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, बस बॉक्स चेंज हो जाता है। बाकी अंदर जो कंटेंट है वो सेम ही रहता है, ड्रोन सेम ही रहता है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक सिंगल बैटरी, ठीक है, और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बैटरी थी जिसे मैंने यूज़ करा, बट आपको यहाँ पर सिंगल बैटरी मिलेगी और एक बैटरी के साथ ही आपका जो ड्रोन है वो टोटल आपको 8 मिनट के आसपास उसका बैटरी बैकअप देने वाला है। बाकी आपको कैसा लगा ये वाला ड्रोन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर आप लोगों को परचेस करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में पिन कमेंट में भी दे दूंगा, आपको जरूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप लोग पहली बार ड्रोन परचेस करने जा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ड्रोन हो सकता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर देना और नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।